चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस शॉर्टकट विच की लिखे दे है डीई। कई बार तुसी देखोगे आम ही बुक्स विच शॉर्टकट जे डीई लिखया होंदा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। हुण डिफरेंशियल इक्वेशन की नु कहंदे किसे नु कोई आईडिया हैगा? अपने जवाब दिया करो पता चलूगा नहीं तो मैं दस देना नहीं। डिफरेंशियल शब्द डेरिवेटिव तो बने है। डिफरेंशियल शब्द कितो बने है? मतलब एक इक्वेशन डेरिवेटिव। इक्वेशन का मतलब था इक्वेशन ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀਏ इंडिपेंडेंट शब्द ते डिपेंडेंट शब्द कोई इनका मेनू मतलब दसूगा? आजाद इंडिपेंडेंट आजाद जो मर्जी कोई चलो डिपेंडेंट हां डिपेंडेंट का मतलब है इस के ऊपर डिपेंड करदा आजाद के ऊपर डिपेंड करदा। उदाहरण लेने आपा गर्मी जे गर्मी है तां हुण गर्मी दा मौसम आजाद है कदी गर्मी किसे दिन गर्मी भी ज्यादा हो सकदी किसे दिन थोड़े बदल करके ठंड भी हो सकदी ना। पर आइसक्रीम दी कंज्यूम आइसक्रीम ज्यादा बिकूगी कदों कित्ते डिपेंड करदा है गर्मी तां गर्मी आजाद उम्मीदवार है इंडिपेंडेंट है। आइसक्रीम दी बेचना सेल डिपेंड करदी है तां आइसक्रीम की होगी डिपेंडेंट। समझ लग गई? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵਾਈ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਤੇ। ਜੇ ਐਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾਈ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ डिफरेंशियल इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन जेड़ा मतलब साइन है कॉस है ट्रिग्नोमेट्रिक है जो मर्जी बस आपां नूं वेरिएबल चाहिए एक्स वाई फंक्शन चाहिए ते नाल उहदा की चाहिए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ते फंक्शन रह गए तां आपां नूं की कहांगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्ना समझ लग गया? डिफरेंशियल इक्वेशन दी डेफिनेशन पता चल गई। ओ इक्वेशन जिंदे च वेरिएबल है वेरिएबल कोई भी फंक्शन होवे ते नाल डेरिवेटिव्स ठीक है। आपां आ दो टर्म्स समझनी है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ते डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स ए केड़ा ऑर्डर डेरिवेटिव है? पहला दूजा तीजा? पहला। इनू कई बार ऐसे भी लिख दिया वाई दे ऊपर एक डैश मतलब पहला डेरिवेटिव आ किन्ना डेरिवेटिव हो गया दूजा इनू वाई डबल डैश ठीक है। कई बुक्स च क्वेश्चंस तुहानू कई बार आएंगे जिद्दे विच वाई डैश वाई डबल डैश है तो इस करके मैं तुहानू जानू करवा रही है कि तुहानू उत्थे इह ना लगे कि की आ रहा है ते
ट्रिपल डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइव ऊपर देंगे ठीक है। हूँ हाँ मैं एक एग्जाम्पल लिखी इनके देखो डेरिवेटिव है मतलब डी वाई बाई डी एक्स लिखे समझो डेरिवेटिव ता फिर यह पहला तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हूँ उसको बाद गल आती है ऑर्डर की हूँ इनके चाह के ऑर्डर का डेरिवेटिव है आहा तो इनके दो ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है तीन ऑर्डर का भी है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का केड़ा ऑर्डर समझ टोटल नहीं हाईएस्ट ऑर्डर ना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव केड़ा तीन तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा तीन समझ आ गई जेड़ा डेरिवेटिव सब तो बड़े वाला होगा जे फोर डेरिवेटिव है तो बाकी चाहे हो ना हो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना कह देना है चार समझ लगे हूँ डिग्री उस हाईएस्ट ऑर्डर के सिर पर जो पावर होगी वो डिग्री होगी हूँ जे मान लो हूँ आप ऑर्डर कितना किया है तीन तो तीन की डिग्री कितनी है तीन दे ऑर्डर दी डिग्री किने पाने हैं अपन एमए पाने हैं सेल वाले पावर में डिग्री कहते हैं एक तो सिर पे कुछ नहीं लिखा तो इनकी डिग्री कितनी होगी एक जी हाँ नाम होगा हूँ दसो इनका ऑर्डर कितना दो तो उनकी डिग्री कितनी है नहीं तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर ही डिग्री ऑर्डर दो है पूरा सब तो बड़ा ऑर्डर डेरिवेटिव दो है इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया दो ठीक है इनका ऑर्डर हो गया दो हूँ डिग्री कितनी है उस दो ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है उनकी डिग्री समझ लगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लेना तो उनकी डिग्री समझ लगी तीन चीजा पढ़ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन किनू कहने हैं किनू कहते हैं एक इक्वेशन जिंदे च वेरिएबल है ते डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनू की कहने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हुन ऑर्डर दी गल कीती हाईएस्ट ऑर्डर जरा डेरिवेटिव होगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन च ओ ही उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का की होगा ऑर्डर ते डिग्री किनू कहने हैं हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी होगी ये तीन गल्लां च किसी नूं कोई प्रॉब्लम क्योंकि वो जो क्वेश्चन करने इन्हां दे बेस ते कोई प्रॉब्लम है कि नहीं पहला क्वेश्चन है आ किन्ने ऑर्डर का डेरिवेटिव अच्छा हुण ध्यान नाल देखो साइन वाई किन्ना दित्ता बेटा कुछ तुलना आ वाई का किन्ना डेरिवेटिव है किन्ने ऑर्डर वाला तीन वाला क्योंकि किन्ने डैश है तीन तो हूँ इनका ऑर्डर ते डिग्री दसो अच्छा एकदम दस इनका ऑर्डर कितना चार क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की है चार अच्छा कमलजीत बेटा इनकी डिग्री दस ये डिग्री की है एक का ही डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते क्यों क्योंकि साइन दे नाल जिहड़ा पे है जे दा कल्ला वाई पे हुंदा फिर आपां डिग्री वन कह देंगे पर जो साइन कॉस के बीच डेरिवेटिव आ जाते ना फिर भी आप डिग्री डिफाइन कर समझ लगे इतने डिग्री लिख देना नॉट डिफाइन जो डेरिवेटिव साइन कॉस के बीच आने ठीक है आप अगे करा हूँ अच्छा बेटा तुसे दसो इतने ऑर्डर किन्ना है हाँ ऑर्डर हाईएस्ट ठीक है वाई डैश ते उनकी डिग्री भी कितनी है हूँ इतने हाँ बेटा सरबजो ऑर्डर कितना है ऑर्डर चार चंदप्रीत ऑर्डर कितना है ऑर्डर दो हाँ बेटा आ टू ऑर्डर डेरिवेटिव है आ वन ऑर्डर के पावर चार है ना ते ऑर्डर हाईएस्ट टू उनकी डिग्री कितनी है एक हूँ अच्छा बेटा इतने ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट है गई टू टू डिग्री
डिग्री ये भी है कि नहीं नहीं डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते कॉज फंक्शन है ना डिपेंडेंट क्योंकि कॉज साइन दे बिहेवियर करके पता नहीं कर सकते हुन तुसी कहोगे आपा हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देख ली हुंदी है ते हाईएस्ट ऑर्डर दा है ही है पर क्योंकि कॉज दे साइन दा फंक्शन की बिहेवियर सानू नहीं पता की पता कॉज दे फंक्शन नु ट्रीट कर दो डबल डेरिवेटिव या होर बड़ा डेरिवेटिव बन जाए इस कारण पे थी डिग्री नहीं ठीक है हुन अगला क्वेश्चन है कि डिग्री नॉट डिफाइन हुन इनदी डिग्री नॉट डिफाइन हुन आ क्वेश्चन दसो बेटा तुसी पीछे दसो इथे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना 2 ही बैठो हुन करण कुमार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है हुन इथे कॉस ते साइन दे नाल डी वाई बाय डी एक्स लिखे के कल्ले एक्स लिखे एक्स है ना हुन इथे आपा डिग्री देखा जो कॉस साइन है या फिर ते ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग फंक्शन जो डी वाई बाय डी एक्स है ओदो नॉट डिफाइन लेकिन जे कल्ला एक्स है फिर आपा हुन हाईएस्ट ऑर्डर 2 ऑर्डर दी डिग्री कितनी है 1 है समझ लग गई।